हेलो फ्रेंड्स, मैं सुल्ताना आप सबको फिर से स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल देसी टेस्ट में। आज की रेसिपी में हम बनाने वाले हैं गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमने लिया है 500 ग्राम फ्रेश गाजर, 400 ग्राम शक्कर लिया है, आप अपने हिसाब से ही, 2 बड़े चम्मच घी, 4 इलायची लिया है और आधा किलो दूध को उबाल के रखा है। चलिए अब हम गाजर को ग्रेट कर लेते हैं। ये देखिए गाजर को हमने ग्रेट कर लिया है। अब चलिए गैस की तरफ बढ़ते हैं, गैस को कर लेते हैं ऑन और उसमें कढ़ाई बैठा लेते हैं। कढ़ाई गर्म होते ही उसमें घी डाल देंगे। जैसे ही घी गर्म हो जाए उसमें ग्रेट किया हुआ गाजर डाल देंगे। अब इसको थोड़ा सा चलाते रहना है। इस टाइम गैस के फ्लेम को मीडियम रखें, फिर इसको थोड़ा टाइम के लिए ढक देंगे ताकि गाजर हमारा जल्दी गल जाए। गाजर अब गलने लगा है, इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम करके चला लेंगे। इसको अच्छे से चलाने के बाद में अब इसमें डाल देंगे दूध। इसको दूध के साथ अच्छे से मिला लेंगे। इसमें जैसे ही उबाल आने लगे इसको थोड़ी देर के लिए ढक के पका लेंगे। बीच में इसको एक बार चेक कर लेना है। ये देखिए अब ये थोड़ा ड्राई होने लगा है। अब इसमें कुटी हुई इलायची डाल देंगे और उसको अच्छे से मिला लेंगे। आखिर में डाल देंगे हम शक्कर और उसको चलाते हुए लगभग 10 मिनट तक पका लेंगे। ये देखिए गाजर का हलवा हमारा बनके तैयार हो चुका है। चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों में। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।